भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी सौंपने के बाद से खिलाड़ी के प्रदर्शन में काफी गिरावट आ गई है। रोहित कप्तान के तौर पर बल्लेबाज दोनों रूप से आईपीएल में काफी प्रभावहीन नजर आए हैं, जिसके बाद अब कप्तानी को लेकर भी रोहित शर्मा के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे। रोहित शर्मा के साथ ही खिलाड़ी के एल राहुल कप्तानी को लेकर एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर सामने आए हैं, जिसके बाद जल्द ही रोहित शर्मा के हाथ से भारतीय टीम की कप्तानी जा सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी मिलने के बाद से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के प्रदर्शन में गिरावट दिखी है। इसका ताजा उदाहरण आईपीएल मौजूद है, जिसके बाद से रोहित शर्मा के ऊपर काफी दबाव है। वहीं रोहित शर्मा 35 साल के हो चुके हैं, खिलाड़ी की उम्र भी एक बड़ा एंगल साबित हो सकता है, जिसके बाद T20 विश्व कप के बाद कप्तानी के लिए KL राहुल एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान पद के लिए इस साल आईपीएल में KL राहुल ने एक दांव ठोका है। KL राहुल के लगातार उपकप्तान बनाए जाने के बाद साफ है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी KL राहुल को भविष्य में कप्तान बनाए जाने के विषय में सोच रहा है, जिसके साथ ही अब ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या भी रेस में हैं। KL राहुल को आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉइंट्स का कप्तान बनाया गया। टूर्नामेंट की शुरुआत में क्रिकेट दिग्गजों ने KL राहुल के कप्तानी के रिकॉर्ड को देखते हुए इस साल आईपीएल में लच्छर प्रदर्शन की उम्मीद की थी, लेकिन आईपीएल खत्म होते होते KL राहुल ने अपने बल्ले से रन बनाकर और टीम को कई दिग्गज फ्रेंचाइजी के सामने प्लेऑफ तक पहुंचाकर कप्तानी दोनों की आलोचना के जवाब दे दिया। KL राहुल की टीम अपने पहले ही सीजन में प्लेऑफ तक पहुंची है और बल्ले से KL राहुल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।